ये 27 तारीख की बात है। जिलाधिकारी और लेखपाल जी आए थे, सारे घरों को नापा और कब्रिस्तान को भी नापा उन्होंने। उसके बाद दूसरे दिन आए हैं और एक पेपर था उस पर सारे लोगों की दस्तखत कराई। उनको तो एक जानकारी ही नहीं दी गई कि क्या होने वाला है, बस एक लाइन की एक जानकारी सूचना दी गई कि ये मंदिर की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, इसलिए उनका जमीन और मकान प्रशासन को चाहिए। उन्होंने बताया कि ये सेफ्टी कारणों से इसका एक्वायर किया जाएगा ये मकान, और मकान को हम लोग डिमालिश करके आप लोगों को मुआवजा देंगे। इसका इस तरह से कहीं जमीन या विकास कार्य के लिए या सुरक्षा कार्य के लिए जिला प्रशासन या सरकार कोई जमीन या मकान लेती है तो इस तरह का प्रोसेस नहीं होता। जी जी, एक बहुत ही असाधारण तरीके से ये पूरा प्रोसेस लिया गया है। गोरखनाथ मंदिर के जो महंत हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और 2022 में चुनाव भी हैं उत्तर प्रदेश में, एक बार फिर से विधानसभा। तो आपको क्या लगता है कि क्या इसमें राजनीति भी हो सकती है या कुछ उससे भी जुड़ा हुआ मुद्दा लगता है क्या आपको? ये नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। दरअसल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से गोरखनाथ धाम के जो दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ तकरीबन एक दर्जन मकान जो कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के हैं उन्हें हस्तांतरित करने का की बात चल रही है। इस विषय पर कई तरीके के विवाद सामने आ रहे हैं। 27 मई को एक जिला प्रशासन की टीम आती है, पुलिस बल आता है और वो उस पूरे क्षेत्र की पैमाइश करते हैं। 28 मई को उन घरों में रहने वाले लोगों को एक सहमति पत्र दिया जाता है जिसमें किसी का कोई साइन नहीं है, किसी अधिकारी का, किसी का नाम नहीं है। उसमें यह लिखा है कि ये लोग गोरखधाम मंदिर की जो सुरक्षा है उसके मद्देनज़र अपने मकानों को जिला प्रशासन को हस्तांतरित कर रहे हैं। लेकिन जब हमने उन लोगों से बात की तो उनका कहना है कि उन्होंने ये जो सिग्नेचर किया है वो एक दबाव में आकर किया है और वो उनसे किसी भी इस तरीके की बात नहीं की गई है कि क्या उन्हें दिया जाएगा या वो ऐसा करना चाहते भी हैं या नहीं, इस तरीके की कोई भी उनसे राय और परामर्श नहीं लिया गया है। हम इस पूरे विषय पर बात करने के लिए आज आए हुए हैं यहाँ पर। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मनोज सिंह जी। मनोज सिंह जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और गोरखपुर न्यूज़ लाइन के संपादक भी हैं और इस पूरे मामले को लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं और उससे मुतासिर हैं। हम मनोज जी से बात करेंगे। मनोज जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि इस पूरे विषय को आप लगातार देख रहे हैं, ये पूरा मामला कैसे, क्या शुरू हुआ और क्या चल रहा है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो 28 तारीख की शाम को सोशल मीडिया पे एक कथित जो सहमति पत्र है वो वायरल हुआ और उससे कुछ लोगों को जानकारी मिली कि ऐसा कुछ चल रहा है उस इलाके में। उसके बाद से हम लोग उसकी जानकारी करने में लगे तो 3-4 दिन बाद जो प्रभावित परिवार हैं उनसे संपर्क हो पाया तो पता चला कि 27 तारीख को तहसील सदर से लेखपाल और कानूनगो और कुछ और कर्मचारी और साथ में गोरखनाथ थाने की पुलिस वो वहाँ गई थी और जो मंदिर का मुख्य गेट है वहाँ पर जो बैंक है और पोस्ट ऑफिस है उसके बाद से 11 घर हैं उनकी पैमाइश की गई थी और फिर मंदिर के बाउंड्री के जो पीछे कुछ घर हैं वहाँ भी उनकी पैमाइश हुई और सबके नाम नोट किए गए कि कौन कौन सी फैमिली के हैं और क्या है डिटेल्स। और अगले दिन फिर वो लोग गए और सबसे बातचीत करके दस्तखत हुआ उस पर, और वही जो पत्र था जिस पर किसी का मोहर नहीं है, किसी अधिकारी का नाम नहीं है, वो कंप्यूटराइज है जिसमें ना परिवार का नाम और पिता का नाम लिखा हुआ है, बाकी दस्तखत और जो मोबाइल नंबर्स हैं वो हाथ से लिखे हुए हैं और उसमें दो फैमिली की ओर से कोई दस्तखत उसमें नहीं है। तो जब इसकी और जानकारी की गई, बातचीत की गई तो कई परिवारों से संपर्क हो गया, लेकिन एक वहाँ पर एक डर का, भय का एक माहौल था क्योंकि 11 परिवार में से सिर्फ 4 से मेरी बात हो पाई और उनसे मेरी मुलाकात भी उनमें से हुई कुछ लोगों से, बाकी परिवार फ़ोन मोबाइल अपने भी नहीं उठा रहा है। एक दो लोगों ने उठाया भी तो जो ही इस बारे में बात की गई उन्होंने काट दिया, फ़ोन काट दिया।
बात नहीं की, लेकिन जिन चार लोगों से बातचीत हुई उनसे ये पता चला कि उनको तो एक जानकारी ही नहीं दी गई कि क्या होने वाला है, बस एक लाइन की एक जानकारी सूचना दी गई कि ये मंदिर के सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, इसलिए उनका जमीन और मकान प्रशासन को चाहिए। इस तरह से कहीं जमीन या विकास कार्य के लिए या सुरक्षा कार्य के लिए जिला प्रशासन या सरकार कोई जमीन या मकान लेती है तो इस तरह का प्रोसेस नहीं होता जी। एक बहुत ही असाधारण तरीके से ये पूरा प्रोसेस लिया गया है। अमूमन होता है कि जो उससे प्रभावित होते हैं परिवार, उनसे बातचीत होती है, उनको क्या योजना है, प्रशासन यहाँ क्या करना चाहता है, उसके बारे में पूरी डिटेल दी जाती है, बैठक होती है और वो कई दिनों के प्रोसेस के बाद उनकी सहमति और जो मुआवजा होता है और पुनर्वास भी जी, सिर्फ मुआवजा नहीं पुनर्वास भी, ये सब सारे डिटेल्स तय होते हैं, उसके बाद जो है ये कोई कार्रवाई आगे बढ़ती है। लेकिन इस मामले में सिर्फ दो दिन के अंदर मीडिया को भी किसी भी, हम लोग भी मीडिया में हैं लेकिन हम लोग को भी पता नहीं था कि वहाँ क्या होना है। आज जाके कुछ स्थानीय अखबारों में एक खबर आई है कि वहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से मुख्य गेट का कुछ विस्तार होगा और मंदिर में प्रवेश करने पर ही लोगों की सुरक्षा चेकिंग के लिए सारा इंतजाम किए जाने हैं, जिसके वजह से वो घर चाहिए। ये जब मीडिया में, जब नेशनल मीडिया में और कुछ और मीडिया में खबरें जब आ गई थी तब स्थानीय अखबार में आज दिया गया, लेकिन अभी भी पूरी जानकारी नहीं दी गई है कि ये परियोजना क्या है, योजना क्या है, इसमें क्या कितने लोग आएंगे, क्योंकि वहाँ और भी परिवार हैं, वो लोग भी आशंकित हैं जी। कि क्या ये और भी घर जाएंगे, कुछ ज़मीनें जाएंगी, तो वो ये आशंका का है और एक डर भी है कि जिस तरह से उनसे बिना बातचीत, दो परिवारों ने तो स्पष्ट रूप से कहा कि उनसे जो राजस्व कर्मी गए थे उन्होंने कहा कि हमें और भी रास्ते हैं, अगर आप लोग इससे नहीं मानेंगे तो और रास्ते भी हम अपना सकते हैं, तो ये सीधे सीधे एक उनको डराकर और दबाव से एक सहमत लेने का एक पूरा मामला लगता है। उसमें जो मुख्य कारण दिया है वो लिखा है कि सुरक्षा के मद्देनज़र, तो आप यहाँ इतने दिन से गोरखपुर में आप कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं गोरखनाथ मंदिर के भी, तो क्या लगता है किस तरीके के सुरक्षा कारण हो सकते हैं जो अचानक से एकदम से ये बात उठ गई और उनके मकान मांगे जा रहे हैं? ऐसा कोई कारण नहीं दिखता क्योंकि मंदिर आज से नहीं है, बहुत पुराना मंदिर है, 52 एकड़ का उसका पूरा परिसर है। मंदिर के मुख्य गेट के पास थाना है, बहुत पहले से एक थाना है, और जब भी वहाँ पर खासकर जब खिचड़ी मेला जब बहुत एक महीने का लगता है और काफ़ी भीड़ होती है तो अस्थाई पुलिस चौकियाँ भी स्थापित की जाती हैं वहाँ पे, वो कई महीनों तक, एक से डेढ़ महीने तक वो रहती हैं। इसके अलावा भी अंदर भी अस्थाई चौकियाँ रहती हैं जहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध हैं, और हम लोग लगातार ये सुनते भी रहे हैं, देखते भी रहे हैं कि वरिष्ठ अधिकारी समय समय पर वहाँ जाते रहते हैं और सुरक्षा की व्यवस्था की जाती रहती है। कैंपस के अंदर भी सुरक्षा के और भी प्रबंध किए गए हैं, लेकिन ये क्या नई सुरक्षा की ज़रूरत हो गई इसके बारे में? पुलिस चौकी भी है अंदर हमने सुना। हाँ, वो अस्थाई, एक तो जब खिचड़ी मेला लगता है तब अस्थाई पुलिस चौकी, टावर से सारे इंतजाम होते हैं, जो आसपास घर हैं वहाँ भी पुलिस की तैनाती, छतों पर भी तैनाती होती है, वो अलग एक खिचड़ी मेला के मद्देनज़र व्यापक, क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है। इसके अलावा भी एक सुरक्षा के प्रबंध रहते हैं जी। लेकिन अब क्या नया क्या हो गया है, नई ज़रूरत क्या हो गई है और इस नई सुरक्षा की ज़रूरत में क्या क्या होना है वहाँ पे, जिसमें 100 साल 125 साल और उससे भी ज़्यादा समय से रहने वाले, कई पुश्तों से रहने वाले लोग, गरीब लोग हैं ज़्यादातर, तो वो सब बुनकर परिवार हैं, वो पूरा इलाका बुनकरों का है जी जी। गोरखनाथ मंदिर के आसपास जो है कई मोहल्ले हैं जो बुनकरों के हैं, बहुत पुराने मोहल्ले हैं और वो सब पसमानदा मुसलमान हैं। अच्छा। जिनकी आजीविका का स्रोत कभी बुनकरी का पेशा ही था। अच्छा। और ये बुनकरी का पेशा, जब वो पहले हैंडलूम पर काम करते थे उसमें काफ़ी उनको नुकसान, उनके बनाए हुए उत्पाद जब बाहर नहीं बिक पाए, उनकी उपेक्षा हुई, सरकार प्रशासन से जो सहयोग मिलना चाहता था नहीं मिला, तो धीरे धीरे उनके हैंडलूम बंद हो गए, फिर पावर लूम पर वो लोग आए, वो पावर लूम पर भी अब उन जो उत्पाद करते हैं उसको मार्केट में ना खरीदार है ना उसकी कीमत मिलती है, एक पावर लूम से वो साल में 1000-2000 भी नहीं कमा पाते हैं, तो अभी कुछ वर्षों में तो वहाँ पर सैकड़ों पावर लूम कबाड़ में बिके हैं, और आज जब कभी 10,000 वहाँ पावर लूम चलते थे, आज सिर्फ 3,000 पावर लूम है, और जो दुकानें आप देख रहे हैं, जो आज आटा चक्की है या किराने की दुकान है या
कोई बुक शॉप है, ये सब पहले हैंडलूम और पावरलूम से खटपट जो उन लोगों के घरों के नीचे, जो यहाँ की चादरें और हैंडलूम के, अभी भी नेपाल का जो मशहूर ढाका टोपी है जो आप नेपाली लोग पहनते हो, वो अभी भी यहाँ से बन के जाता है, इसी गोरखपुर इलाके से बन के जाता है। तो ये सब अब तो ये सारे जो लोग हैं वो एक लंबे अरसे से सरकारी उपेक्षा के शिकार हैं, उनकी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा है और वो बहुत ही बुरी आर्थिक स्थिति में है। तो अपने ही घरों में उन्होंने दुकान करके, फल की दुकान करके, कुछ मिठाई की दुकान करके, छोटी मोटी दुकानें करके अपनी जीविका चला रहे हैं। और ऐसे में जब किसी योजना आए और उनको विस्थापित होना पड़े, बेघर होना पड़े, और जिसके लिए कोई पुनर्वास और मुआवजा की ठीक से बात भी नहीं हुई, किसी को नहीं पता कि उनका, इसमें से ज़्यादातर फैमिली ऐसे हैं जिनका इस शहर में इसके अलावा कोई घर नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है और कोई आजीविका का साधन नहीं है, तो उनके लिए क्या तय हुआ है, उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। ऐसा मुझे पहली बार दिख रहा है कि यहाँ से इधर हाल के वर्षों में गोरखपुर शहर में सड़क चौड़ा करने के नाम पर और कुछ अन्य प्रोजेक्ट के नाम पर ढेर सारे विस्थापन हुए हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि सभी मामलों में प्रशासन ने ज़ोर ज़बरदस्ती ही की है। प्रॉपर जो तरीका है कि लोगों से राय ली जाए, उनके मुआवजे और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और एक कानूनी ढंग से जी वो पूरा प्रोसेस चलाया जाए, वो प्रोसेस नहीं चलाया जा रहा है। बलपूर्वक ज़बरदस्ती बिना चेतावनी दिए उनको घरों को बुलडेज कर देना और रास्ते के लिए ज़मीन ले लेना और मुआवजा भी पर्याप्त नहीं देना, बहुत सारे परिवार मुआवजा नहीं मिला है और उससे हज़ारों लोगों को, सैकड़ों लोगों की आजीविका भी गई है, ये प्रोसेस यहाँ भी अपनाया जा रहा है, ये मुझे लगता है। अच्छा, गोरखनाथ मंदिर के जो महंत हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो इसमें हम इस चीज़ को मतलब नहीं भूल सकते हैं कि इसमें राजनीति नहीं हो सकती है, और 2022 में चुनाव भी हैं उत्तर प्रदेश में, एक बार फिर से विधानसभा, तो आपको क्या लगता है कि क्या इसमें राजनीति भी हो सकती है या कुछ उससे भी जुड़ा हुआ मुद्दा लगता है क्या आपको? ये राजनीति तो वैसे आजकल तो कोई ऐसी घटना नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो राजनीति से नहीं जुड़ती है जी, और उसके फ़ायदे नुकसान खासकर जो राजनीतिज्ञ हैं उसके हर फायदे नुकसान का मूल्यांकन भी करते हैं। तो चाहे वो विकास का काम हो वो भी एक राजनीति है, कोई सुरक्षा की बात हो वो भी एक राजनीति है जी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई विकास, क्योंकि सरकारें विकास गिनाती हैं, जिसके जरिए हजारों लाखों लोगों का विस्थापन होता है उसको विकास की राजनीति कहती हैं, सुरक्षा के नाम पर भी बहुत सारे लोगों का विस्थापन होता है, तो वो राजनीति से कोई चीज़ परे नहीं है। तो ये ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रशासन ने या ऊपर के अधिकारियों ने कोई ये निर्णय लिया कि इसका इसके पीछे कोई चुनावी गणित है, वो ज़्यादा नहीं लगता है ये। लेकिन ये ज़रूर है कि जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जो तरीका है, वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। अच्छा, जब वहाँ के लोगों से हमने बात की तो उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री उनसे बात करेंगे, उनको बुलाएंगे और उनसे बात करेंगे, आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे में अब आगे क्या हो सकता है? गोरखपुर में पिछले कई वर्षों में बहुत सारे भूमि के अधिग्रहण हुए हैं और जितने मामले मैं देख रहा हूँ, चाहे यहाँ मानबेला में भूमि अधिग्रहण हुआ, बहुत सारे सैकड़ों किसानों की ज़मीन ली गई, उसमें मैंने देखा कि प्रशासन का रवैया जो है वो हमेशा जो है वो एक ज़ोर ज़बरदस्ती और कम से कम मुआवजा देकर ज़मीन लेने का रहता है जी, और उसको लगता है कि वो अपनी ताकत से लोगों की बात मनवा लेगा, तो वही रवैया यहाँ भी दिख रहा है। और अब ये ज़रूर है कि जो प्रभावित परिवार है उनकी एक उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर से उनकी एक कोई रूबरू बात नहीं हुई है, महंत जी, वो गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं, तो आएंगे तो उनसे मिलकर अपनी बात कह लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर प्रशासन ने निर्णय ले लिया है और इसको गुपचुप तरीके से निर्णय लिया है, अगर उनको पारदर्शिता के साथ ये कार्रवाई करनी थी तो करते, तो शायद सब लोग स्वेच्छा से एक सहमति के साथ और एक बन ही जाता कुछ ना कुछ। अगर कोई ऐसी थ्रेट है, सिक्योरिटी थ्रेट है जिसके लिए सारे लोगों को हटाया जाना ज़रूरी है, अगर ये उन लोगों को समझाया, प्रशासन समझा सके या ऐसी चीज़ें रख सके तो शायद वो तैयार हो जाए। लेकिन बिना कुछ जानकारी दिए आज भी प्रशासन का आप स्टेटमेंट देखिए तो अजीब सी बात कर रहा है या किसको हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, ये अफवाह लोग फैला रहे हैं। अरे अफवाह कौन फैला रहा है, ये घटना हो रही है, आपके अधिकारी गए वहाँ पैमाइश किए, उन्होंने से दस्तखत कराए, तब ना ये बात इसको जो रिपोर्टर ये लिख इसको खबर के तौर पर लिखता है, आप उसको कहते हैं कि अफवाह फैला रहा है?
खबर लिखना अफवाह हो गया। जो वास्तव में अफवाह फैलाते हैं दिन भर ट्विटर से सोशल मीडिया पर, उनके खिलाफ़ आप कुछ भी कार्रवाई नहीं करते हैं। सैकड़ों उदाहरण है इस ज़िले से लेकर दूसरे ज़िलों में। तो ये एक दबाव, प्रशासन किस दबाव में है, क्यों इस तरह की बात कर रहा है, उसको ट्रांसपेरेंसी से बात की जानी चाहिए कि भाई ये योजना है, ये हमारे पास हमारी रिपोर्ट्स है, ये हम करना चाहते हैं, और जो प्रभावित हैं उनसे बातचीत करें। क्योंकि सब लोग कह रहे हैं उनको पता ही नहीं क्या कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो दिन के अंदर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जी। और कहा जाता है कि सब उधार भाव से हुआ है, लोगों से व्यापक बातचीत हुई है, दो दिन में कैसे हो गया, क्या हो गया, कौन सी प्रक्रिया अपना ली। जो लोग 125 साल से घरों में रह रहे हैं, जिनकी यादें हैं उन घरों से जुड़ी हुई हैं, उनके पिता पिता के पिता और लोग रुहे हैं, जहाँ उनके पावरलूम और हैंडलूम चले हैं, जिससे उनकी जीविका चली है, जहाँ पर उनके बच्चों की पैदाइश हुई है, एक मकान ही नहीं आप लेते हैं, बिल्कुल उस पूरा एक मकान से जुड़ी हुई यादों और सब चीज़ों को आप छीनना चाहते हैं। तो ये अच्छा एकाएक क्या ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई, क्या ऐसी ज़रूरत हुई जिसको लेना पड़ रहा है। मेरा मानना है और बहुत सारे लोगों का मानना है कि चाहे वो विकास हो चाहे सुरक्षा हो, मुझे याद आता है कि इसी इलाके में जापान के सहयोग से एक सड़क बननी थी जी, करीब 6-7 साल पहले, जायका योजना जो थी जापान की थी, वो कुशीनगर से लेके और उसको नेपाल के लुम्बिनी तक एक सड़क जोड़नी थी, जिससे बुद्ध जो है, जो बुद्ध श्रद्धालु हैं, वो आसानी से उनको आवागमन हो सके। तो वो जब उसका पूरा सर्वे हुआ और पता चला कि इतने घर प्रभावित हो रहे हैं, हजारों घरों को तोड़ना पड़ेगा सड़क चौड़ा करने, तो उस बुद्ध जो जापान की जो संस्था थी जो इसको फाइनेंस कर रही थी, उसने कहा कि ये प्रोजेक्ट हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने सिद्धांतत तय किया है कि जिनसे लोगों के घर और आजीविका जाती हैं वो प्रोजेक्ट को हम फाइनेंस नहीं करेंगे। यहाँ ठीक उल्टा एक प्रोसेस लिया जा रहा है, लगातार लोगों को विकास के, सुरक्षा के नाम पर और ऐसे तमाम जो उसके नाम पर लोगों को रोज़ विस्थापित और बेदखल और बेघर किया जा रहा है। ये एक बहुत ही सोचनीय विषय है। और मैं उन सब परिवारों से, अभी फर्टिलाइज़र में भी, फर्टिलाइज़र कैंपस में भी, जहाँ पर एक बहुत पुराना मार्केट है, 70-80 साल पुराना मार्केट है, वहाँ जो पूर्व फर्टिलाइज़र के कर्मचारी थे जिनको VSS दे के हटा दिया गया था, वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम के तहत हटा दिया गया था, लेकिन फिर उस जो पुराने क्वार्टर थे उनको रहने दिया गया एक कॉन्ट्रैक्ट के बाद कि आप यहाँ रह सकते हैं, उनको भी हटाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ सैनिक स्कूल बनेगा। वो परिवार वहाँ पर, जबकि खाली ज़मीन अभी भी बची है, लेकिन उस रिहाइश को हटाने की कोशिश हो रही है। तो इसी तरह से और भी कई कार्यालय गोरखपुर में इस तरह से हटाए गए हैं। तो इसमें ना नागरिकों की सहभागिता है, ना लोगों की बातचीत है, ना एक लोगों की जो भावनाएं हैं उनका कोई ख्याल है, बस एक प्रशासन को कोई ख्याल आता है कि हमको ये करना है और उसको वो क्रियान्वित कर देते हैं, और इसमें किसी की भागीदारी नहीं रहती है, ना जो प्रभावित हैं ना उनकी भागीदारी है, ना जो शहर को जानते समझते हैं उनकी कोई भागीदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।